हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ स्पेशल तीज के लिए, क्योंकि अभी तीज आने ही वाली है, हरतालिका तीज, जिस पर सारी सुहागन औरतें या फिर कुंवारी लड़कियाँ अच्छे से रेडी होती है और शिव जी की पूजा करने मंदिर जाती हैं। तो ये वाला जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए स्पेशल होता है, तो क्यों ना इस स्पेशल ओकेजन पर अच्छे से तैयारी क्यों ना हुआ जाए। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ तीज लुक के लिए। तो चलिए, अब मैं मेकअप ट्यूटोरियल मेरा क्रिएट कर रही हूँ और आपको भी काफ़ी देखने में मज़ा आने वाला है। और मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम ईजी आपको टेक्निक्स भी दिखाने वाली हूँ और एकदम ईजी मेकअप बताने वाली हूँ। इतने ईजी ट्रिक्स से आप इतना फ्लॉलेस मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं पूरा मेकअप मेरा शुगर का यूज़ करने वाली हूँ। शुगर के साथ आज हम तीज का लुक हमारा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फेस को अच्छे से टोन कर दूंगी। टोनिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का सिट्रस मिस्ट। इससे स्किन बहुत अच्छी एक हाइड्रेट हो जाएगी। तो एक बार अच्छे से स्किन पर ये स्किन के अंदर सारा मिस्ट है अच्छे से एब्जॉर्ब होने देते हैं, फिर इसके ऊपर हम हमारा मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मेरे फेस पर अच्छे से मिस्ट है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं मेरे फेस पर मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो मॉइस्चराइजर है वो जेल बेस में है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर हमारा लग चुका है। मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हमको आउटडोर जाना है। आउटडोर हम कोई भी मेकअप करते हैं उसके अंदर सनस्क्रीन, डे में अगर हमारा मेकअप है तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो हमारी स्किन को ना ही ब्लैक होने देगा ना ही हमारे मेकअप को ब्लैक होने देगा। तो मैं यहाँ पर शुगर का सिट्रस सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। मेकअप करने से पहले हम अगर हमारा स्किन केयर बहुत अच्छे से करते हैं तो ना हमारा मेकअप ड्राई होता है ना पैची होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेकअप। मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस पर से प्राइमर अप्लाई करना है, और प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का द मोस्ट एलिजिबल प्राइमर। और आप ये देख सकते हो इस प्राइमर में हल्का सा फाउंडेशन मिक्स हो ऐसा है, बट इस फाउंडेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम स्मूथ लेयर हमारी स्किन के ऊपर क्रिएट कर देता है। अब आ जाती है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन कंप्लीट कवरेज देता है हमारे फेस पर, जो लाइट पिगमेंटेशन है उसको तो ऐसे ही हाइड कर देता है। ये मैंने मेरे शेड का लिया है और मेरा शेड है इसमें 10 लाते। फाउंडेशन एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, फाउंडेशन जैसे ज़रूरत हो वैसे यूज़ करना है, क्योंकि अगर फाउंडेशन हमने शुरुआत में कम लिया तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर हमने फाउंडेशन शुरुआत से ही हमने बहुत सारा लगा दिया तो हमारा मेकअप डेफिनेटली केक ही लगने वाला है, क्योंकि ज़रूरत पड़े वैसे फाउंडेशन को बिल्ड करो, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पहले से ही मत लगा लो। इसको ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब थोड़ा सा फाउंडेशन मुझे और ज़रूरत है तो थोड़ा और मैंने ले लिया है। मेरे फेस पर मैंने फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब आ जाती है कंसीलर की बारी, और कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मैजिक वैंड वाटरप्रूफ कंसीलर। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कंसीलर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब इस कंसीलर को अच्छे से मुझे सेट करने के लिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं, और कॉम्पैक्ट में शुगर का यूज़ कर रही हूँ, और इसका शेड भी है 10 लाते। हमारा फेस हमने पूरा क्लियर कैनवास बना दिया है। अब इसके ऊपर हम क्रिएशन करेंगे। अब आई मेकअप होगा, आईब्रोज डिफाइन होंगी, अब लिपस्टिक लगेगी, फेस की कटिंग होगी, ब्रश होगा, हाईलाइट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा हम करेंगे अभी। तो हमने एक बार कंप्लीट अच्छा सा बेस बना लिया है। अब आ जाती है कॉन्टोरिंग की बारी। कॉन्टोर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्रॉन्जर। उसको भी मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है, आप भी देख सकते हो।
एकदम कितना शार्पली मैंने मेरे फेस को कॉन्टोर किया, क्योंकि मेरा फेस है वो थोड़ा चबी है इसलिए उसको बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज करना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा फैट दिखता है फेस पर, जिससे मेकअप इतना अच्छा नहीं लगता। तो अब करूँगी मैं मेरे फेस पर ब्लश, और ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की मिनी पैलेट से, और इसका शेड है 02। इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है, आप देख सकते हो। अब आ जाती हूँ मैं आई मेकअप पर। फेस को हाईलाइट में लास्ट में करूँगी, क्योंकि एक बार आई मेकअप मेरा कंप्लीट कर लेती हूँ। आई मेकअप में आज यूज़ करने वाली हूँ शुगर की ब्लेंड द रूल्स पैलेट, जो कि बहुत ही अच्छी पैलेट है, और ये इसका शेड है 01 फ्लॉलेस। बहुत ही अच्छी ये पैलेट है, इसके अंदर सारे ही फेस्टिव सीजन्स के अकॉर्डिंग कलर दे रखे हैं। तो इसके अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले ये ऑरेंज कलर, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ दो स्ट्रोक ही अच्छे से ब्लेंड किए हैं और कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर में ये सिल्वर शेड अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो मेरी साड़ी है उसका वर्क है सिल्वर, सो बहुत ज़्यादा मैं सिंपल मेकअप रखने वाली हूँ। दोनों आई का आई शेड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाता है आईब्रो। आईब्रो को हमको डिफाइन करना है, क्योंकि आईब्रो डिफाइन करे बगैर कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। तो अच्छे से एक बार आईब्रो को डिफाइन कर देती हूँ। आईब्रो को डिफाइन करने में यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्राउ डिफाइनर। मैंने मेरे आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन तो कर दिया है, पर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको क्लीन करने के लिए मैं स्पूली की हेल्प ले रही हूँ। आप देख सकते हो आईब्रो अच्छे से डिफाइन हो गई है, और मैंने ब्रश भी कर ली है और स्पूली इसके अंदर भी दे रखी है। जो ये आईब्रो डिफाइनर है बहुत ही अच्छा आईब्रो डिफाइनर है, और साथ ही साथ इसके अंदर 4 शेड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट आईब्रो के लिए भी शेड्स अवेलेबल हैं, और डार्क आईब्रो के लिए भी है, मीडियम के लिए भी है। तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ इसका वर्क भी बहुत अच्छा है, आप देख ही सकते हो। हालांकि मेरी आईब्रो ऑलरेडी थिक है, पर थिन आईब्रोज पर भी बहुत अच्छा वर्क है इसका। इसके अंदर आईब्रो पैन भी आता है, जिससे हम बाल क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जनों की आईब्रो इतनी ज़्यादा थिन होती है ना, कि उसमें हमको हेयर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सो आईब्रो हमारी डन हो चुकी है। अब आ जाते हैं आईलाइनर पर। आईलाइनर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की ग्लोज बोज 24 आवर्स आईलाइनर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाटरप्रूफ है, एंड साथ ही साथ इसका काम भी बहुत अच्छा है। तो एकदम पतला मैं विंग ड्रॉ करूँगी। आईलाइनर लग चुकी है। अब आ जाती है हमारी मस्करा की बारी, और मस्करा अभी शुगर ने बहुत ही अच्छा एक लॉन्च किया है, मैं मेरी हर वीडियो में बताती हूँ, जो कि है डबल डेट मस्करा। और ये मस्करा इतना अच्छा है ना, कि इस मस्करा मस्करा लगाने से हमको फॉल्स लैशेज भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे नहीं लगाने की ज़रूरत होती। आप अभी मेरा फेस एकदम देख लो, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं लग रहा होगा। एक बार मस्करा लगाते हैं, मस्करा लगाने के बाद आपको वॉल्यूम दिखाती हूँ मैं। ये लग गया हमारा नॉर्मल मस्करा। ये लैशेस को थिन करने का पाउडर है, तो अब मेरी लैशेस थिन होना चालू हो गई है। इसके ऊपर वापस से मैं एक मस्करा की कोट करूंगी, तो आप रिजल्ट्स देख सकते हो। हालांकि अभी इतना रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, बट अब इसका और रिजल्ट मैं दिखाती हूँ। लैश कर्लर ले लीजिए और लैशेस को कर्ल्स कर लीजिए। अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वॉल्यूमनाइज लग रही है मेरी। एक आईज देखिए और एक आई देखिए, इस आई में जो मैंने लैशेस को वॉल्यूमनाइज किया, उसकी वजह से मेरा फेस ही लिफ्ट हो गया है। लैशेस को हमको अगर हेवी करना है, तो उस वजह से जो हमारा फेस का लुक है वो थोड़ा यानी बहुत ज़्यादा लिफ्टेड आता है, जिससे हमारा फेस शार्प एंड क्लीन दिखता है। तो आप देख सकते हो इधर साइड का फोर्स और इधर साइड, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया ना। अभी तक तो लिपस्टिक लगी भी नहीं है मेरी। मस्करा दोनों आई में लग चुका है, मेरी लैशेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अब आ जाती है फेस की हाईलाइटनिंग की बारी। हाईलाइटनिंग करने से पहले एक बार हम हमारी काजल लगा देंगे, और काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी काजल है ये। अभी आप इसका इफ़ेक्ट भी देखोगे, सिर्फ एक स्ट्रोक में ये अच्छे से लग जाती है। काजल लग चुकी है, अब इस काजल के नीचे हल्का सा स्मोक ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्लेन काजल कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो छोटा सा मैं एक ब्रश ले लूँगी और इसके अंदर से कोई भी डार्क शेड पिक कर लूँगी, ऑरेंज यूज़ कर लेती हूँ।
आप देख सकते हो अब मेरी आईज़ कैसी लग रही हैं। अब फाइनली आ जाती है हाइलाइटिंग की बारी। तो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर है सिल्वर कलर का, उसका शेड है 04 रॉयल रोज़। बहुत ही अच्छा शेड है। अभी आप इसका वर्क भी देख रहे हो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने मेरे फेस को एकदम बल्क की तरह हाईलाइट कर दिया। मुझे हाइलाइटर इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे लगता है हाईलाइटर पूरा फेस पर गला के चिपका दूँ, इतना अच्छा लगता है। अब आ जाती है लिपस्टिक की बारी। तो लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का लिप ड्यू यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसका शेड है 13 वुड बाय न्यूड। बहुत ही अच्छा शेड है। एक बार लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देते हैं ताकि मैट लिपस्टिक है वो ड्राई ना हो। हालांकि नहीं होती है, बट पहले लिप बाम लगा लेना चाहिए। लिपस्टिक भी हमारी लग चुकी है। आप मेकअप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने लिपस्टिक का शेड पिंक रखा है क्योंकि जो मेरा साड़ी का कलर है वो पिस्ता ग्रीन है, ग्रीन टाइप का। सो इसीलिए थोड़ा लिपस्टिक का कलर न्यूट्रल रखा है जो दोनों के साथ सेट हो जाए। तो ये हमारा फाइनल मेकअप। अब इस पूरे मेकअप को मैं कर देती हूँ सेट। और सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मैट फिक्सिंग स्प्रे। तो अच्छे से जब तक ये मेकअप सेट होता है तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हो मैंने पहली बार साड़ी के साथ सिल्वर वेयर किया है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना कि मैं इतनी एक्सपेरिमेंटल नहीं होती हूँ। साड़ी के साथ हमेशा गोल्डन अच्छा लगता है। मेरे पास ऐसी साड़ी भी पड़ी हुई थी कि मुझे ग्रीन के साथ सिल्वर वर्क मिल गया, और मैंने साथ ही साथ पूरा सिल्वर अटायर भी वेयर किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मेरे पास रिंग थी तो इसकी मैंने बना दी है रखड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैंने सिल्वर वेयर किया है जो आप देख रहे हो। ऑक्सीडाइज हमेशा अच्छा नहीं लगता है, फिर गोल्डन भी हमेशा अच्छा नहीं लगता है, डायमंड्स भी कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो इस बार मैं तीज पर ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ, और आपके साथ मैंने ये लुक पहले से ही शेयर कर दिया है, तो आपको ये लुक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप भी चाहो तो इस टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो तीज पर, या फिर किसी भी त्यौहार पर, या फिर जो नई नई शादी हुई ब्राइड्स हैं वो भी ये लुक क्रिएट कर सकती हैं कहीं पर पूजा वगैरह में, जो भी फंक्शन है, फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर। अगर आज का लुक आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो न्यू लुक्स भी आने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।